नमस्कार किसान साथियों, भारतीय किसान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे किसान जानना चाह रहे हैं कि गेहूं का नया बीज लें या पिछले साल में ही पैदा हुए गेहूं की पुनः बिजाई करें, आज की वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे छोटे और सीमांत किसानों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वह प्रत्येक वर्ष नया बीज लेकर बिजाई करें, इसलिए वह पुराने गेहूं की ही बिजाई करता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसान साथियों, यदि हम कुछ बातों को ध्यान में रखें तो हमें प्रत्येक वर्ष नए बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे और पुराने बीज का ही प्रयोग कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप पिछले वर्ष हाइब्रिड बीज की बिजाई की थी तो कभी भी उस बीज का प्रयोग दोबारा ना करें, क्योंकि बीज कंपनियाँ हाइब्रिड बीज में टर्मिनेटर जीन डालती हैं, जिससे हाइब्रिड बीज एक बार ही अच्छा उत्पादन देता है, उसके बाद दूसरे साल उस बीज में टर्मिनेटर जीन एक्टिव हो जाता है, जिससे बीज की गुणवत्ता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। किसान साथियों, यदि आपने पिछले साल सर्टिफाइड प्रमाणित सीड का प्रयोग किया था तो उससे आप बीज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पुराने बीज को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ करके धूप में सुखा लें, फिर बीज को एक चलने से चाल लें, जिससे छोटे बीज एवं कंकड़ पत्थर चलने के नीचे गिर जाते हैं और एक समान और बड़े अच्छे बीज चलने में रह जाएंगे। फिर उन बीजों को कवकनाशी व एजिटोबैक्टर से उपचारित करके छाया में सुखा लें और उसे खेत में बिजाई कर दें। किसान साथियों, यदि इस तरीके से आप पुराने बीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको नया बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। किसान साथियों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।